नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जो दवाई रेडी कर रहे हैं ये है खासकर उनके लिए जो पुरानी से पुरानी खांसी हो चुकी है, परेशान हो चुके हैं, दवाई ले लेके थक चुके हैं, लेकिन उनकी बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी, चाहे कोई सा भी खांसी है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। साथ ही साथ गले में दर्द है, सूजन है, उन सबके लिए जो है आज ये हम रेमेडी लेकर आए हैं, जो बनाना बिल्कुल आसान है और आज से नहीं, ये बरसों से जो है बताया हुआ दादी नानी का नुस्खा है। तो आप ज़रूर इसे बनाइए, लेकिन बनाने का तरीका और लेने का तरीका आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा आप। और ये जो है नुस्खा जो है हम अदरक से, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अदरक, और अदरक से ही जो है हम ये तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। अदरक एक बढ़िया इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कई तरह के जो है सूजन को और दर्द को जो है ठीक करता है, सर्दी जुकाम को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वायरल इन्फेक्शन, ब्लड सर्कुलेशन में भी जो है अदरक का बहुत बड़ा योगदान होता है। और भी इसके न जाने कितने जो है इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, जिसके बारे में आप जानकर वो हैरान हो जाएंगे। तो अदरक का जो है ये नुस्खा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने अदरक को काफ़ी अच्छे से रोस्ट किया है, और रोस्ट करने में बस थोड़ा सा टाइम लगा है, बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, लेकिन ये एक बार का समय आपका इन्वेस्टमेंट आपको महीनों भर की जो है आराम मिल जाएगा, क्योंकि इसे एक बार बनाएंगे और इसे महीनों भर जो है हम स्टोर करके जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अदरक को जो है बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद से उसके छिलके हल्के हल्के से निकाल देने हैं, पानी से धो लेना है, धोने के बाद से पानी को अच्छे से सुखा लेना है, सुखाने के बाद से छोटे छोटे पीसेस करके हमें ग्राइंडिंग जार में उसे जो है पेस्ट का रूप दे देना है, पेस्ट तैयार कर लेना है। अदरक जो है आसानी से जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है और अंदर बिल्कुल पका जैसा हो जाता है, तो इस तरह से आसानी से बिल्कुल हमें पेस्ट बना लेना है। और अदरक का जो है यहाँ पे यूज़ हमें करीब 150 ग्राम जो है हमने अदरक लिया है, तो मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, और उसको बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जल्दी से वो ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा चम्मच हमने घी लिया है, घी को हल्का सा गर्म किया, करने के बाद से अदरक को घी के साथ हम 1 मिनट पहले पकाएंगे। अब इसके साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें जाएंगी जो हमारे आयुर्वेद में और हमारे जो है खाने पीने और हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट पहुंचाता है, और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गुड़, जो हमारे किसी भी तरह के जो है दर्द को ब्लड प्योरीफाई का काम करता है और बहुत तरह की बीमारियों से जो है छुटकारा दिलाता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करता है और कई तरह की बीमारियों को आने से रोकता भी है। तो यहाँ पे गुड़ का हमने एक बड़ा वेली लिया है, बड़ा सा गोला लिया है, तो हमने मतलब करीब 50 ग्राम आप मान सकते हैं, 50 ग्राम हमने गुड़ का यूज़ किया है। तो घी, गुड़ और अदरक, अब इसको जो है हम करीब 5 से 7 मिनट जो है मीडियम लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे कंटिन्यू, अदरवाइज ये नीचे से चिपक सकता है। तो इस तरह से जो है हमें अच्छे से जो है इसे चलाते रहना है और चला चला के मीडियम लो फ्लेम में पकाना है। अब इसके अंदर कुछ और भी ऐसी चीज़ें जाएंगी जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। जी हाँ, अजवाइन, ये किसी भी तरह के पेट की समस्या हो या गले की समस्या हो, दर्द की समस्या हो, सूजन की समस्या हो, उसको ये अजवाइन ख़त्म करता है। इसके साथ और जाएंगी काली मिर्च, काली मिर्च जो है सर्दी जुकाम हो, सर दर्द हो, आधा सर दर्द होता है, साइनस का जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए भी जो है ये काली मिर्च वरदान के रूप जैसा काम करता है। साथ ही साथ थोड़ा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और हरी इलायची में भी बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हरी इलायची आपके पास नहीं है पाउडर तो आप उसे कूट के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हरी इलायची, अब ये तीनों का मेजरमेंट मैं बता देती हूँ कि ये 1/4 टीस्पून के करीब जो है अजवाइन है, 1/4 टीस्पून आपकी काली मिर्च है, और 1/4 टीस्पून आपका जो है इलायची पाउडर है, और साथ ही साथ जो है 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है। आपको यहाँ पे सफ़ेद नमक हमें बिल्कुल नहीं लेना है, हमें काला नमक ही इसे यूज़ करना है। तो एक तरह का आप ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल टेस्टी जो है ये दवाई एकदम तैयार हो रही है, जो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, और इसका जो लेने मतलब बिल्कुल जिस तरह से च्यवनप्राश का हम सेवन करते हैं उसी तरह से इसे एक च्यवनप्राश का हमें शेप देना है, उसी टेक्सचर में और उसी तरह से बिल्कुल पकाना है। तो इस तरह से मसालों के साथ जो है हमने पका लिया अच्छे से 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट अब जो है हल्दी के साथ, हल्दी अपने आप में जो आयुर्वेद के में आज से नहीं बरसों से जो है इसका उपयोग होता आया है, चाहे किसी भी तरह का दर्द हो या अनिद्रा हो, उस तरह के छोटे मोटे जो है आपको इन्फेक्शन हो, वायरल हो, उसमें जो है ये हल्दी बहुत ही काम आती है। तो बस अब हल्दी
डालने के बाद से इसे 5-7 मिनट हमें और पकाएंगे। अगर इसको देखा जाए टाइम से तो पकाने में जो है रोस्टिंग से लेके पकाने तक में हमें करीब 20 से 30 मिनट बस लगे हैं इसमें समय, और उसके बाद से ये बिल्कुल च्यवनप्राश के जैसा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस ये अपने आप जो है पैन छोड़ने लगेगा, इसका मतलब कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसे अब ठंडा कर लेना है और आपको कोई अच्छा साफ सुथरा जो है ग्लास वाला बॉटल में आपको इसको रख लेना है, और रख के जो है आप इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं, आप बाहर टेबल पर रख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि पानी के हाथ से और चम्मच जो आप निकालें उस वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे स्टोर करके कई महीनों तक जो है आप इसे खा सकते हैं। अभी इसे खाना कैसे है, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल 2 साल से 5 साल तक 7 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 1/4 टीस्पून देना है। अगर 10 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो उनको आधा टी स्पून देना है, और जो बड़े लोग हैं एडल्ट हैं वो जो है 1 टी स्पून जो है खा सकते हैं। तो आपको ये खाली पेट सुबह सुबह जो है आपको खा लेना है बिल्कुल, जिस तरह से ब्रश करके आइए फ्रेश होके, और ये 1 चम्मच जो है सेवन कर लीजिए। जिस जैसा आपके एज है उस हिसाब से लेना है, और उसके बाद से आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो बलगम हो सब जो है ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।